देखिए ये रेनफोर्समेंट डल चुका है यहाँ, ये अपने वुडन प्रॉप्स लगे हैं, स्टील प्रॉप्स भी होते हैं अपने, और आप देख सकते हैं इसमें कंडीटिंग हुई है। ये देखिए हमारे पाइप लग चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी पाइप, और ये पाइपलाइन वाले जो हमारे वाटर फिटिंग के लिए है, ये पूरे वाटर फिटिंग वाले लगे हैं स्लैब में, प्लम्बिंग जो वर्क होता है हमारा। मैं थोड़ा आउट ऑफ सिटी चल गया था इसलिए आपको वीडियो नहीं ला पाया, पर अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेगी इसकी। वैसे 90% वर्क जो हो चुका है मैं आपको दिखा चुका हूँ, हमारी जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट जो है वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश में, उसकी लगभग 13 वीडियोस हो चुकी हैं। जो कॉर्नर प्लॉट था हमारा वेस्ट फेसिंग, जहाँ रोड थी वह एल में, और सामने इसकी गोडाउन आ रहा है, ये शॉप की शटर लग चुकी है, ये हमारा कॉरिडोर था। मैंने आपको बिल्कुल इनिशियल लेवल से अभी तक प्रेजेंट डे तक जो वर्क हुआ है वो पूरा दिखाया हूँ। और आप जो भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद बस इसका स्लैब रह गया है, जिस दिन स्लैब होगा उस दिन हम वीडियो लाएंगे अपनी। जो बार्स यूज़ हुई है इसमें 16 mm की यूज़ हुई है और 12 mm की यूज़ हुई है बीम में, और स्लैब में 12 mm की यूज़ हुई है मेन बार, और डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm की यूज़ हुई है। ये हमारे टेरेस के लेवल पे है इसलिए आपको आसानी से दिख रहा है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए जितने फ्लोर्स हो चुके हैं वर्किंग तो वैसे ही चलना है जैसे हमारी ग्राउंड में थी, फर्स्ट में थी, सेकंड में थी। बस ये है कि रेनफोर्समेंट हमारा जो रहता है बार वो चेंज हो जाता है, ग्राउंड में ज़्यादा लगता है, स्लैब में और बीम में और फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में थोड़ा कम बार्स यूज़ होते हैं, मतलब कम एमएम के, और स्लैब की आप थिकनेस देख सकते हैं। ये सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। Thank you for watching.